गाइज़ वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर एंड वेलकम टू येट अनदर शॉपिंग ब्लॉग। मैं क्योंकि दिल्ली में हूँ और दिल्ली आती ही हूँ मोस्टली शॉपिंग करने के लिए, पर आई वॉज वेयरिंग वन एवेलाई पेंडेंट विच आई लॉस्ट ड्यूरिंग माई वन ट्रिप विच वॉज आदि कैलाश यात्रा। एनी वे वो यात्रा मैं कम्प्लीट नहीं कर पाई एंड आई लॉस्ट माई एवेलाई पेंडेंट। सो आई एम इन डेली एंड आई थॉट मे बी आई कैन गो एंड बाय अनदर वन, एंड फॉर दैट रीजन आई हैव कम टू दिस शॉप कॉल्ड डायमंड फैक्ट्री। नाउ दिस शॉप इज़ नॉट न्यू फॉर मी नीदर फॉर दिस चैनल। आई हैव कम हियर ट्वाइस और मे बी थ्राइस फॉर डायमंड परचेज एंड डायमंड की मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं। पर्सनली वेयरिंग द डायमंड फ्रॉम दिस स्टोर। सो दोज ऑफ यू से कि सारे फेक चीज़ें हैं, नहीं है, क्योंकि पर्सनली आई एम वेयरिंग दोज। सो आई हैव कम हियर टू बाय एविल आई पेंडेंट टूडे। This is an evil eye pendant I liked here. कितने कैरेट गोल्ड है ये? 14 कैरेट गोल्ड विद हॉलमार्क गोल्ड विद आईजी कलर एंड एसआई क्लैरिटी। प्राइस इसका अप्रॉक्स अमाउंट 21,000। I'm wearing one evil eye. Of course, this is not the original one because I lost the original one. But this is something I can pick. So this shop, I have done already a few videos on their gold and diamond collection. I'm gonna link those videos. Somewhere here or here you can watch that and okay. इसके अलावा कुछ और भी डिज़ाइंस हैं आपके पास? डिज़ाइन हमारे पास कस्टमाइज हो जाएंगे, बट अगर आपको ये नहीं लेना तो हमारे पास इस तरह से जेम स्टोन है जो एविल आई प्रोटेक्शन का ही काम करता है। वाओ, एंड व्हाट इज दैट जेम स्टोन? व्हिच वन इज दिस? दिस वन इज सुलेमानी हकीक। सुलेमानी हकीक। Now this is interesting. Never in my life I have learned or even tried to learn about gemstones. So this is going to be interesting part. Of course, I have decided what I'm going to buy. That is the evil eye pendant for myself. But let's learn about several gemstone today in this video. This is called Suleimani Haki. इसको आप as pendant or ring, bracelet, किसी भी तरह से इसको use में आप इसके surrounding आप diamond में भी बनवा सकते हो। तो बिफोर वी स्टार्ट टू लर्न अबाउट ऑल दिस, मुझे एक बात बताओ, आप सिर्फ ये स्टोन्स बेचते हो या फिर इसकी ज्वेलरी भी बना लेते हैं? ज्वेलरी भी बन जाती है जैसे इन्होंने वेयर कर रखी है। अब जैसे ये देखिए, मैंने एमरल्ड वेयर करा हुआ है ये। ओके, इसको मतलब इसको डायमंड के साथ, इसके सराउंड में डायमंड के साथ बनवाया ताकि मैं इसको इजिली कैरी कर सकूँ। ओके, कैट्स आई इसका हिंदी में होता है लहसुनिया। ओके, सो दीज बंस आर कैट्स आई। ये भी इविल आई के लिए बेस्ट होता है, प्रोटेक्शन के लिए, और राहुल के लिए बेस्ट होता है ये, और बाकी पाइसियन के लिए तो हर तरह से इफेक्टेबल है ये। So we learnt about this new stone today and apart from these there are so many stones, different kind of gemstones here, but mujhe in sab ka kuch idea nahi hai, hum puchhenge, but I can see three kinds of pearls here. Ek ye hai and then this one. Can you explain me the difference between three? मुझे इतना पता है कि पर्ल मोस्टली माइंड को शांत करने के लिए पहनते हैं, क्योंकि मैंने मुझे एक टाइम पे बहुत गुस्सा आता था तो मेरी मम्मी ने मेरे को बनवा के दिए थे एंड देन बहुत सालों तक मैंने पहने एंड देन सिल्वर में ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। अब डिफरेंस बता दो मुझे। थ्री टाइप्स के पर्ल है हमारे पास। फर्स्ट है ये नॉर्मल पर्ल, नेचुरल पर्ल है ये। ये 250 रुपीज पर रहती है, एक्चुअली कुछ कस्टमर्स की डिमांड होती है कि हमें पर कैरेट्स में चाहिए या रत्ती में चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर की उनको क्या चाहिए, बट इसका प्राइस है 250 रुपीज पर रत्ती और पर कैरेट। दीज आर साउथ सी पर्ल। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? इसका प्राइस क्या है? 750 रुपीज पर रत्ती और पर कैरेट। ओके, एंड दिस वन बसरा टाइप पर्ल। ये वाला पर्ल कौन सा है? ये है बसरा टाइप पर्ल। ओके, इट्स प्राइस 2,000 रुपीज पर रत्ती और कैरेट। इसकी स्पेशलिटी ये है कि आपको मार्केट में ये स्टोन मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज पर रत्ती और कैरेट, और हमारे पास ये आपको मार्केट से 90% लेस प्राइस पर मिल रहा है, ओनली 2,000 रुपीज पर रत्ती और कैरेट। और ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर होलसेलर। ओके, हमारे पास जितने भी स्टोन मिलेंगे आपको होलसेल प्राइस में मिलेंगे, 50-90% लेस प्राइस पर मिलेंगे। और सेकेंडली हमारे सारे स्टोन ओरिजिनल मिलेंगे, आपको सर्टिफाइड मिलेंगे, आप उसका लैब का सर्टिफिकेट भी ले सकते हो साथ में।
इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट होता है जिसमें सब मेंशन होता है। ये ब्लू सफायर का सर्टिफिकेट है और गवर्नमेंट लैब का है, GLI, और वी हैव जेमस्टोन टेस्टर ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पे हम आपको टेस्ट करके दिखा देंगे। तो ये निडल है, वहीं जाके स्टॉप होती है। मतलब इस जेम टेस्टर से हम फोर स्टोन्स टेस्ट कर सकते हैं, येलो सफायर, ब्लू सफायर एंड रूबी एंड डायमंड। ओके, डायमंड वाला तो वी हैव डन, पहले भी हमने किया ही है। यस, बट आई वांट टू सी, लाइक आई एम वेरी मच कीन ऑन नोइंग मोर अबाउट द जेम स्टोन। सो दिस इज येलो सफायर and this is 1500 rupees per at least starting price in yellow sapphire. okay, and 1500 aur ye market mein kya rate mein milti hai bhai? aapko agar hamare paas 1500 mein mil raha hai to aapko approximately double se bhi zyada mein milega, jo ki hamare paas starting price hai. is range mein aapko pukhraj kahin bhi nahi milega. okay, to main aapko ek bar test kara ke dikha deti hu. jaise ye thoda sa वो है क्लाउडी है, तो जैसे जैसे ये क्लियर होता जाएगा, जैसे ये देखिए ये क्लियर स्टोन्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू इसकी जो क्लियरनेस है तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस इंक्रीज होता जाता है। जैसे ये है 1500 रुपीज़ पर रत्ती, तो ये होगा जैसे 3000, 4000, 5000, अप्रॉक्सीमेटली 10000 रुपीज़ पर रत्ती तक आपको ये मिल जाएगा। आप मुझे एक टेस्ट करके दिखाएंगे। हमने अभी जेम स्टोन की टेस्टिंग देखी, नाउ द जेम स्टोन शी हर सेल्फ पिक्ड एंड आई एम बीइंग लिटिल डाइसी, सो लेट मी पिक माई सेल्फ। दिस इज रूबी, राइट? आप इसको भी टेस्ट करके दिखाएंगे। सो दिस इज कमिंग ऑन रूबी। घूम के द पिन विल पॉइंट टू रूबी। बस ये वाली चीज़ ना, ये मशीन चेकिंग एंड ऑल, इट साउंडेड, इट लुक्ड रियली फैंसी एंड नाउ आई कैन ट्रस्ट ऑल द थिंग्स हियर। आई नो अबाउट रूबी, आई नो पुखराज, आई नो पर्ल। अगर मुझे लेट्स से समथिंग लाइक एविलाई, उस वजह से कुछ और स्टोन चाहिए, समथिंग लाइक प्रोस्पेरिटी, अच्छी वेलबींग के लिए, हेल्थ के लिए, सबसे बेस्ट तो फिर आप येलो सफायर, जो सबको सूट करता है। येलो सफायर कोई भी पहन सकता है, फ्रेंडली स्टोन। जैसे ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है स्टोन, बट अगर जैसे कोई 1500, 3000 रुपीस ये भी नहीं पर रहती अफोर्ड कर सकता, तो उनके लिए हमारे पास गोल्डन टोपाज है जो इसका सब्स्टिट्यूट होता है। ये देखिए, ये इसी की तरह वर्क करता है। अच्छा, अगर आप रत्ती बोलते हो तो मुझे बताएं जैसे एक ये जेम स्टोन कितने रत्ती का होगा? जैसे ये मिनिमम ये स्टोन है मान लीजिए, ठीक है, तो इसका वेट आएगा 4 से 5 रत्ती। तो ये स्टोन आपको 5 रत्ती के अकॉर्डिंग 1500 पर रत्ती के हिसाब से मिल जाएगा। इसको गोल्ड और सिल्वर किसमें पहनते हैं मोस्टली? पुखराज को आप सिल्वर में भी पहन सकते हो, गोल्ड में भी पहन सकते हो। अच्छा, लेट्स से समबडी हैज टू बाय जेम स्टोन लिया और आपसे ज्वेलरी भी बनवाते हैं, वो कस्टमाइज करवाते हैं, तो डिलीवरी टाइम कितना होता है? पावर है वो डबल हो जाती है और बहुत इजीली वर्क करता है आपकी बॉडी के साथ, क्योंकि स्टोन्स इतनी जगह से आते हैं, स्टोन्स के अंदर सारी नेगेटिविटी भी आ जाती है, तो उसको एनर्जाइज करना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गाइज, आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऑल दीज थिंग्स विल साउंड लाइक वेरी, लाइक बोलते ना, विश्वास नहीं करने वाली चीज़, एंड आई यूज टू बी वन ऑफ दोज पर्सन अर्लियर, बट आफ्टर आई थिंक व्हेन आई गॉट कोविड एंड ऑल्सो सर्टन थिंग्स आई डेल्ट विद इन माई लाइफ फ्यू मंथ्स अगो, एंड समबडी गिफ्टेड मी दिस रोज क्वार्ट्ज स्टोन एंड इट हेल्प्ड मी। मतलब मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पे आप जितना भरोसा करोगे ना, तो शायद उसके इफेक्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं अगर आप उस बिलीफ से उसको पहनोगे। नाउ नो वे आई एम सेइंग दैट यू शुड बिलीव, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट शेयरिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस लाइक फ्यू मंथ्स बैक, आई थिंक 3 or 4 मंथ्स बैक। यू ऑलरेडी नो हाउ माई कंडीशन वॉज पोस्ट कोविड एंड आई डेल्ट विद सो मेनी थिंग्स, एंड दैट रोज क्वार्ट्ज इट एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट इन माई हीलिंग, एंड ऑल्सो आफ्टर दैट पॉइंट ओनली आई स्टार्टेड वेयरिंग दैट एविलाई। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू बिलीव इट बिकॉज आई एम टेलिंग इट टू यू, बट आई एम जस्ट शोइंग यू गाइज द what do you say, the advantages of wearing these kind of stones, and I'm also learning it for the first time, so I'm really keen on knowing more, and this definitely sounds very 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 interesting. अच्छा, मुझे एक बहुत ही million dollar question पूछना है, because I travel a lot,
और इस टाइप के स्टोन्स नॉट मतलब एग्जैक्टली जैसे ये वाला स्टोन है ना, ये ऑल दिस स्टोन्स मैंने बहुत ज़्यादा ये टूरिस्ट लोकेशंस होते हैं ना छोटी छोटी दुकानों में भी मिलते हैं, तो किसी को कैसे पता चलेगा? एक तो आपने टेस्ट करके बता टेस्ट करके दिखा दिया, सेकंड हमने बता दिया आपको ये गवर्नमेंट अप्रूव लैब है ये GLI जो कि आपके स्टोन को टेस्ट करेगी और इसकी जो भी क्वालिटीज होंगी वो उसके ऊपर मेंशन करके देगी आपको कि स्टोन का वेट क्या है, स्टोन की ग्रेविटी वगैरह जो भी इसकी क्वालिटीज़ होती हैं सब कुछ इसने मेंशन करा होगा, तो वो लैब आपको सर्टिफाइड कर रही है कि ये स्टोन ओरिजिनल है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अच्छा, अब मुझे आप कुछ और स्टोन जैसे रूबी का तो आई नो कुछ चीज़ें, ये वाले स्टोन का मुझे बताओ। ये भी सेम कैक्साई है, ये टू कलर में आता है, जैसे वो आपने ब्लैक देखा है तो ये ग्रीन कलर में भी आता है। ओके, एंड इसको किस चीज़ के लिए पहनते हैं? सेम पाइसियन। पन्ना भी हमारे पास दो टाइप का होता है, इंडियन पन्ना और जाम्बियन पन्ना। जाम्बियन पन्ना ये ये माइंस का डिफरेंस होता है, ये इंडियन माइंस का है और ये जाम्बियन माइंस का। जो इंडियन पन्ना है वो 1000 रुपये पर रहती है और जो जाम्बियन है वो 2000 रुपये पर रहती है। कईयों ने जैसे स्टोन वेयर करा हुआ अपने आप ब्रेक हो जाता है या गिर जाता है, कोई कहते हैं कि गुम हो गया, ब्रेक हो गया, तो वो स्टोन जो भी हम आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है वो स्टोन अपने ऊपर ले लेता है, जिसके कारण स्टोन के ऊपर ये प्रॉब्लम आती है। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, बट आई विल शेयर वन एक्सपीरियंस। मैं पर्ल पहनती होती थी बहुत टाइम पहले ड्यूरिंग माई कॉलेज एंड जॉब डेज, और वो अपने आप आई गेस 2 to 3 years के बाद वो लिटरली मैं वॉक कर रही हूँ एंड ब्लास्ट करके वो फट गया, और मुझे लगा फट गया तो कौन दोबारा बनवाया, बट मुझे नहीं पता था वो ऐसे होता है। स्टोन आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो अपने ऊपर ले लेता है, ताकि आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होती है वो कम हो जाती है। हमारे पास जो जैम स्टोन्स होते हैं 84 वो होते हैं स्टोन्स, जिसमें 75 होते हैं सेमी प्रीशियस एंड 9 स्टोन्स होते हैं प्रीशियस। सो इनमें से कौन सा सेमी प्रीशियस और कौन सा प्रीशियस? दिस इज प्रीशियस स्टोन्स ना, प्रीशियस स्टोन्स, ये सारे प्रीशियस स्टोन्स हैं। अब जैसे वो आपने वो देखा सब्स्टिट्यूट है इसका, गोल्डन टूपैज का सब्स्टिट्यूट है, उपरतन बोलते हैं इसको। ये एमेथिस्ट है जो ब्लू सफायर का उपरतन होता है, और ये 350 रुपीस पर रत्ती होता है। जो लोग मतलब ब्लू सफायर अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए एमेथिस्ट बेस्ट होता है। ये ब्लू सफायर होता है, ये 3000 रुपीस पर रत्ती होता है, ये 350 रुपीस पर रत्ती एमेथिस्ट होता है। दिस इज ओपल, इसके बारे में मैंने आई थिंक नाम ही सुन रखा है। दिस इज फायर ओपल, ओके, एंड ये 2000 रुपीस पर रत्ती होता है। ये देखिए हमारे पास 2 टाइप्स में ओपल है, ये है ऑस्ट्रेलियन ओपल, ये भी है ऑस्ट्रेलियन ओपल, बट ये नॉर्मल ओपल है, इसमें आपको फायर नहीं दिखेगा, और इसमें आपको देखिए फायर दिखेगा, लाइंस दिखेंगे कलरफुल, दैट्स वाई इसका जो प्राइस है 2000 रुपीज़ पर रहती है, और इसका जो प्राइस है 350 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ पर रहती है। ये मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ गोल्डन एरियाज में, तो इसमें मुझे डिफरेंस बताओ एंड फॉर व्हाट पर्पस पहनते हैं इसको? दिस इज़ फॉर सजिटेरियन। ओके, टर्कोइज होता है ये सजिटेरियस, और वैसे इसको गुरु का स्टोन भी कहते हैं, और वो जो है वो है लैपिस, ये एज इविल आई भी ये वेयर करा जाता है। एक और स्टोन है आई थिंक मूंगा बोलते हैं उसको, मेरे डैड पहनते हैं, आई वांट टू नो आपके पास मूंगा है? सो दिस इज मूंगा, ये किस चीज़ के लिए पहनते हैं मोस्टली? ये मंगल दोष के लिए होता है एक तो, और एक स्कॉर्पियन के लिए होता है एंड एरीज। आई थिंक मोस्टली ये रिंग फिंगर या मिडल फिंगर में डालते हैं, रिंग फिंगर में पहनते हैं इसको, और इसमें आपको शेप्स मिल जाएंगे, जैसे ये देखिए ये कैप्सूल शेप में है, तो ऐसे ट्रायंगल शेप में भी मिल जाएगा ये आपको, ये थोड़ा सा ओवल शेप में भी मिल जाएगा। सो गाइस, आई एम पिकिंग व्हाट आई हैड कम हियर फॉर, दैट्स एन एविल आई पेंडेंट फॉर माई सेल्फ, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट वी लर्न्ड अ लॉट अबाउट द जेम स्टोन्स टुडे। मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता थी जेम स्टोन के बारे में, बट इतने डिटेल में नहीं पता थी, एंड दिस शॉप इज़ गोना बी माई गो टू शॉप व्हेन आई हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ वेयरिंग अ जेम स्टोन इन फ्यूचर। बट इन केस यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ शॉप वेर यू कैन गेट जेन्यून gemstone, I'm using the word genuine because I trust this shop. This is my 3rd or 4th visit, and as I said previously also, I'm wearing the diamonds which I had purchased from here. उस वीडियो में भी बहुत लोगों ने हल्ला मचाया था that you know it's all fake diamonds. It's not, because I'm personally wearing. It's been a year since I purchased these diamonds. So with that belief, I can say that these are the genuine ones. So in case in future you have a requirement for wearing gemstone, be it rings or bracelet or pendant or whatever kind of jewelry you want, you can get it customized here. And I'm gonna put all the details about this shop in the video description below. This shop name is Diamond Factory. Like, comment, share, and subscribe. I'll see you guys in the next episode. Until then.